नागपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों पर नागपुर मनपा ने नया रुख अपनाया है। अब नागपुर महानगर पालिका सेंट्रल कंट्रोल रूम से कोरोना मरीजों को रूम आवंटित करेगा। अब मरीजों को सीधे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई व्यवस्था के लिए मनपा ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां से मरीजों के परिजनों को सीधे अस्पताल में उपलब्ध बेड की सीधी जानकारी मिलेगी। इस व्यवस्था के लिए मनपा ने मोबाइल व्हाट्सएप नंबर प्रदर्शित किए हैं, जो 777-00-11537 और 777-00-11472 है, और संपर्क के लिए 02122567021 नंबर जारी किए हैं। सर्व नागपूरकरांना नमस्कार। आत्ताचं जे सेकंड वेव आपल्या नागपूर शहरामध्ये चालू आहे जे कोरोनाचं आहे, त्यामध्ये आपल्याला सगळ्या ठिकाणीवरून पेशंट्स यायला लागले। आता सिटीमध्ये रुरल एरियामधून आणखी काही लोक आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून सुद्धा आपल्या शहरामध्ये उपचार घ्यायला येत आहेत। यांच्या सगळ्यांसाठी एक एकत्रित सुविधा व्हावी म्हणून आता एक कंट्रोल सेंटर रूम, ऍक्च्युली CCR आपण म्हणतो होते, त्याला आपण सुरू केलेली आहे। या ठिकाणी त्या कंट्रोल सेंटरद्वारे यापुढे प्रत्येक शासकीय किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटलचा बेड्स अलोकेशन होणार आहे। त्याचा नंबर या स्क्रीनमध्ये तुम्हाला देण्यात आलेले। त्या कंट्रोल रूम 24 तास चालू राहणार आहे। त्या ठिकाणी 24 तासामध्ये प्रत्येक पेशंटचा जे डिटेल्स RT-PCR रिपोर्ट असो किंवा HRCT रिपोर्ट असो, ते घेण्याच्या सुविधासाठी व्हॉट्सअप नंबरसुद्धा आपण त्या या ठिकाणी उपलब्ध करून घेतलेले। त्याचं बघून तिथे बसलेले जे डॉक्टर्स त्याचा ट्रेज करून त्या पेशंटला जिथे योग्य उपचार कुठे होऊ शकतो त्याच्या त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणच्या जवळच्या ठिकाणी किंवा जिथे उपलब्ध आहे तिथे उपलब्धतेप्रमाणे त्यांना अवघ्या 30 मिनिटाच्या आत त्यांना बेड उपलब्ध करून देण्याचं काम करणार आहेत। त्याच्यामुळे कोणी कुठल्याही प्रकारचं हॉस्पिटलला सरळ डायरेक्टली जाणे वॉकिंग करण्याचा टाळावी आणि आपला कंट्रोल रूम नंबरचा वापरून आपण तुमच्या बेड अलोकेशनचा प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी मदत करावी। नागपूर सिटी और रूरल एरिया सब एरिया से अभी पेशेंट बढ़ रहे हैं, से जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बेड का सुविधा इधर सिटी से हो रहे हैं। इसके अलावा आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग को भी बेड का जरूरत है। सबको एक बेड प्रॉपरली मिलने के लिए माननीय कोर्ट भी उसको डायरेक्शन दिया था उसका, और स्ट्रीमलाइन करके अभी पॉजिटिव वे सब का ये इससे लोगों को कॉल आने के लिए उनका लोगों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड मीटिंग्स दिए। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, इस व्हाट्सएप नंबर और इस पर रिपोर्ट्स मिलने के बाद मतलब RT-PCR रिपोर्ट और HRCT हम 30 मिनट में अवेलेबल वैकेंसी के हिसाब से अपने पास डॉक्टर भी हर शिफ्ट में रखा है। डॉक्टर लोग उसके पेशेंट को कौन सा टाइप का बेड चाहिए वो डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने का उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट जिस जगह पर उनको जरूरत है उस जगह का उनके जगह के आसपास में जरूरत है उतना जल्दी से जल्दी फोन कर रहा है, फोन करके बेड उपलब्ध करने का हम एक मॉड्यूल भी तैयार किया और ईजी हो जाएगा। लोगों ने उनका मोबाइल से रिपोर्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं वो आने के बाद जल्दी से जल्दी कितने काउंट आपको देख रहे सब लोगों ने फोन अटेंड कर रहे हैं, कुछ ये नहीं है। हम लोगों का लाइन भी वेटिंग है लोगों को कॉल के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे कॉल अभी हम 10-12 लाइन अभी चल रहे हैं और 10 लाइन अभी बढ़ रही है, क्योंकि किसी को फोन उठाने नहीं के संभावना नहीं होती है क्योंकि 24/7 चलने वाले सफिशियंट ऑफिसर्स रखा है, पॉल्यूशन के लिए CCTV लगे डॉक्टर्स रहेंगे 24/7, इसलिए अभी भी फोन करेंगे तो फायदा होगा। सर एक अहम सवाल का जिनका बहुत ही क्लिनिकली ज़रूरत है ट्रीट करने का, उसके लिए हमने सुविधा दे दिया प्राइवेट हॉस्पिटल को, उसी समय फ़ोन करते रहने का जरूरत नहीं है। इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट शुरू करके उनको स्टेबलाइज करने के बाद आधा घंटे में हमको इन्फॉर्म करने का, सो देट उनका जो बेड वैकेंसी बेड इधर दिखता है उसको अपडेट करने के लिए क्या सर ट्रीट ये हेल्पिंग के लिए लोगों को मदद करने के लिए दोनों हैंड इन हैंड वो हमारा।